Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhi Nagar, Bhopal. In lecture number 7, we will discuss about slope and deflection. What is slope and what is deflection, and how to calculate slope and deflection for simply supported beam, cantilever beam, pin beam subjected to point load or UDL like this. Now, here I have mentioned definition of deflection, definition of deflection, angle of rotation, and slope. But before knowing the definition of slope and deflection, just see this. This is the picture. Yeah, इस question में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट डी पर है। इनिशियली जब बीम के ऊपर किसी तरह का कोई लोड नहीं लग रहा है तो बीम का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो बीम का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इनिशियली जब लोड अप्लाई नहीं हुआ है तब यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। जब बीम पर ट्रांसवर्स लोड, जब बीम के ऊपर ट्रांसवर्स लोड, यहां ट्रांसवर्स लोड डब्ल्यू से डब्ल्यू लोड अप्लाई किया गया, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, ट्रांसवर्स लोड डब्ल्यू, जो इनिशियली बीम जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, इनिशियली बीम जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, अब ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड बीम जो है ये बीम डिफ्लेक्ट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन से। दिस इज द पोजीशन आफ्टर लोडिंग, दिस इज द पोजीशन ऑफ बीम आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। जब बीम पर लोड अप्लाई किया गया, दिस इज द पोजीशन ऑफ बीम बिफोर लोडिंग एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ बीम आफ्टर लोडिंग। जब लोड अप्लाई किया गया तो बीम जो है अपने इनिशियल पोजिशन से सर्टेन डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का पोजिशन ये था, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का पोजिशन ये हो गया। तो बीम के लॉन्ग, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो डेविएशन आया, जो जितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस जो हुआ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इनिशियल पोजिशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का ये था, फाइनल पोजिशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का ये है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो डेविएशन आया ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम। यानी डिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या देख रहे हैं कि सपोर्ट के पास बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सपोर्ट के पास जिस पोजिशन में पहले था उसी पोजिशन में आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, कहाँ, एट द सपोर्ट डी एंड एट द सपोर्ट ए।
लेकिन इसके बाद से अगर हम कहीं भी बढ़ेंगे आगे की तरफ तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट के पास बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन जो होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट के पास जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। तो नाउ अगर हम यही ये सिंपली सपोर्टेड डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का डिफिनेशन हम समझे कि बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पोजीशन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सपोर्ट के पास, दोनों सपोर्ट के पास मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए सपोर्ट के पास एट डिफ्लेक्शन एट डी पॉइंट डी वाई डी इज इक्वल टू जीरो। डिफ्लेक्शन के लिए सिंबल हम यूज करते हैं वाई, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी क्या हो जाएगा, जीरो। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ देखें कि डिफ्लेक्शन का डिफिनेशन की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सपोर्ट के पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में कोई डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। यही अगर हम बीम अगर कैंटिलीवर हो, अगर बीम कैंटिलीवर है से बीम कैंटिलीवर है तो ये जो इनिशियल बिफोर अप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड अप्लाई होने से पहले बीम का जो पोजीशन है वो बीम का पोजीशन ये है, बिफोर अप्लीकेशन ऑफ लोड बीम जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, बीम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस पोजीशन में। जब लोड अप्लाई किया गया डब्ल्यू ट्रांसवर्स लोड, तो ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ लोड ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है कि ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ लोड बीम जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ तो इनिशियली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का पोजिशन ये था, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का पोजिशन ये हो गया। तो डिफ्लेक्शन का डिफिनेशन क्या था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। तो इनिशियली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का पोजीशन ये है, फाइनली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का पोजीशन ये है, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। तो अगर कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, एट फ्री एंड। जैसे जैसे हम फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे, फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम होते जाएगा, और जब हम सपोर्ट के पास पहुंचेंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कैंटिलीवर बीम है तो फिक्स सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से हम लोगों ने जो देखा डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन का डिफिनीशन देखें, डिफ्लेक्शन का क्या डिफिनीशन है कि इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द बीम मेजर्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यानी कि मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ लोड किस डायरेक्शन में, इन द परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक है एंगल ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट दैट पॉइंट।
angle of rotation is nothing but angle of rotation of cross section plane. Now अगर हम बात करें से ये बीम है, 3D में देखेंगे, अगर हम 3D में देखें बीम को, अगर 3D में देखें तो बीम का ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का परपेंडिकुलर जो एरिया होता है दैट एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम 2D में जब हम इस व्यू से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कैसे दिखाई देगा, बाय द हेल्प ऑफ लाइन, जस्ट लाइन। दिस इज द 2D में देखेंगे तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देगा लाइन। तो ड्यू टू एप्लीकेशन इनिशियली जब लोड अप्लाई नहीं हुआ है, जब मेंबर पर लोड अप्लाई नहीं हुआ है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया किस पोजिशन में है, वर्टिकल पोजिशन। 2D में देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया लाइन दिखाई देगा, दिस इज द पोजिशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो हमको एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन, तो ये बीम है, ये यहाँ देख रहे हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम के लेंथ के परपेंडिकुलर जो भी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इनिशियली बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, जब हम लोड अप्लाई नहीं किए हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बीम क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजिशन में है और क्रॉस सेक्शन एरिया वर्टिकल पोजिशन में है। जब यहाँ लोड अप्लाई किया गया W, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ बीम। जब लोड अप्लाई किया गया तो जो बीम है ये डाउनवर्ड पोजिशन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो बीम जब डाउनवर्ड पोजिशन में डिफ्लेक्ट हुआ, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया का न्यू पोजीशन क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया का न्यू पोजीशन ये हो गया इस सेक्शन ए पर। सेक्शन बी पर क्रॉस सेक्शन एरिया का न्यू पोजीशन ये हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का न्यू पोजीशन ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया का न्यू पोजीशन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, एंड ये है क्रॉस सेक्शन एरिया बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का इनिशियल पोजीशन। दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन। इनिशियली क्रॉस सेक्शन प्लेन इस पोजिशन में था, जब लोड अप्लाई हुआ तो क्रॉस सेक्शन प्लेन यहाँ से टर्न हुआ, यानी कि दिस इज द पोजिशन, फाइनल पोजिशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन ये हो गया एट पॉइंट ए, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट बी, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन क्या हो जाएगा सी के पास, जीरो, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। इनिशियली भी लोड अप्लाई होने के पहले भी क्रॉस सेक्शन प्लेन वर्टिकल पोजिशन में था और लोड अप्लाई होने के बाद भी पोजिशन क्या है, वर्टिकल पोजिशन में ही है, यानी कि यहाँ क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजिशन में किसी तरह का एंगल ऑफ रोटेशन नहीं हुआ। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट ए, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट बी, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन इज कॉल्ड स्लोप, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन इज कॉल्ड ए स्लोप। तो क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन कम हुआ, यहाँ पहुंचेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो गया। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ, अगर कैंटिलीवर बीम है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ मिलेगा, एट फ्री एंड। जीरो एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ मिलेगा, एट फिक्स एंड। तो इनकेस ऑफ कैंटिलीवर बीम जो एंगल ऑफ रोटेशन मैक्सिमम हो गया, यानी कि स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, एट फ्री इन। स्लोप का जीरो वैल्यू कहाँ मिलेगा, एट फिक्स इन। अगर यही हम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में बात करें तो यहाँ इनिशियली ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ये बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड बीम का पोजीशन था। जब यहाँ लोड अप्लाई किया गया W, लोड अप्लाई किया गया तो ब्लू कलर में जो दिख रहा है इट इज़ द फाइनल पोजीशन
ऑफ बीप आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ लोड। तो इनिशियली हम सेक्शन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ई, सेक्शन सी, सेक्शन डी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली सेक्शन ए पर क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन ए, बी, डी, सी सभी पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन प्लेन का जो पोजीशन है वो क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन कैसा है, वर्टिकल। क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन है वर्टिकल। जब लोड अप्लाई किया गया और बीम जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ तो अब पॉइंट ए पर क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन ये हो गया, पॉइंट बी पर क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन ये हो गया, पॉइंट सी पर क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन ये हो गया, पॉइंट सी पर क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन ये हो गया, पॉइंट डी पर क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन ये हो गया। तो इनिशियली पॉइंट ए पर क्रॉस सेक्शन प्लेन वर्टिकल था, अब फाइनल लोड अप्लाई होने के बाद क्रॉस सेक्शन प्लेन का पोजीशन चेंज हो गया। तो दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट ए, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट बी, दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट डी, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट सी एंड दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन एट पॉइंट ई। तो क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन सपोर्ट के पास क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। जैसे जैसे सपोर्ट से हम मिड स्पैन की तरफ बढ़ रहे हैं एंगल ऑफ रोटेशन का वैल्यू कम हो रहा है। इन बिटवीन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां की क्रॉस सेक्शन प्लेन का एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जहां अगर हम बात करें कि जहां एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन जीरो हो जाता है वहां बीम का जो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में वहां बीम का डिफ्लेक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वहां बीम का डिफ्लेक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो यहां देखा वो इम्पोर्टेंट है कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड ए डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं थीटा, डिफ्लेक्शन के लिए सिंबल यूज करते हैं हम वाई। यहां से स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसका टेंजेंट। स्लोप इज इक्वल टू नथिंग बट टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं स्लोप इज नथिंग बट डीवाई बाई, स्लोप इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स। Now, if theta is small, then tan theta is equal to theta and angle of rotation is equal to slope. Angle of rotation is equal to slope. तो यहां से हम लोगों ने अभी तक देखा कि deflection क्या होता है। तो the vertical displacement of longitudinal axis of the beam from its initial position to final position is called deflection. स्लोप क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। डिफ्लेक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं y, स्लोप के लिए हम सिंबल यूज करते हैं थीटा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोनों सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम इसका यूज करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोनों सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, जीरो। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम के केस में सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। एंड फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। अब इसके बाद से हम बात कर रहे हैं स्लोप का। स्लोप क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन
from its initial position to final position, that is called slope. Slope के लिए symbol use करते हैं theta. तो अगर cantilever beam है, अगर cantilever beam है तो fixed support के पास angle of rotation यानी कि slope क्या हो जाएगा, fixed support के पास स्लोप यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो. फ्री एंड पर एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन दैट इज मैक्सिमम. तो ये हमको ध्यान में रखना होगा. नाउ इसके बाद अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सपोर्ट के पास, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो, लेकिन स्लोप का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम. दोनों सपोर्ट पे वैल्यू जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू. एंड जहां जिस पॉइंट पर सपोर्ट का वैल्यू जीरो होगा वहां डिफ्लेक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा. नाउ जो अभी हमने बोला इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन इज नथिंग बट वेल नोन कंडीशन. तो यहाँ बाउंड्री कंडीशन, अगर बीम कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम के केस में फिक्स सपोर्ट पर स्लोप जीरो होगा फिक्स सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा. अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो होगा एंड स्लोप जो होगा वो मैक्सिमम होगा. तीसरा हमको ये जानना, अब देख चुके हैं कि जिस पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू जीरो होगा उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा. तो ये दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, दिस इज वेल नोन कंडीशन, ऑलवेज ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, ऑलवेज मिलेगा. तो इतनी चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो सपोर्ट के पास स्लोप जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो. अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन जीरो एंड सपोर्ट के पास थीटा इट मे बी मैक्सिमम. और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जिस पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू जीरो होगा वहां डिफ्लेक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा. तो ये बाउंड्री कंडीशन जिसका ऑलवेज हम यूज करेंगे. अब एक छोटा सा ये डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसके रिजल्ट की जरूरत पड़ती है. इस This is the derivation of differential equation of elastic curve or derivation of curvature, slope and deflection equation. Examination point of view से important नहीं है, लेकिन इसका जो result होगा जिसके basis पर हम numerical solve करेंगे. Now यहाँ consider a beam subjected to pure bending. हम यहाँ एक beam consider कर रहे हैं, ये question में simply supported beam दिख रहा है. कंसिडर करें कि इस बीम पर प्योर बेंडिंग लग रहा है. प्योर बेंडिंग का मतलब बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो. इस बीम पर लेफ्ट सपोर्ट ए से एक्स डिस्टेंस पर, लेफ्ट सपोर्ट ए से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसिडर किए, दैट इज बी सी, जिसके बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस दैट इज से डी एक्स. बिफोर अप्लीकेशन ऑफ लोड बीम हॉरिजॉन्टल पोजिशन में था. जब बीम के ऊपर बेंडिंग अप्लाई किया कर दिया गया, दोनों इन पर बेंडिंग एम अप्लाई किया कर दिया गया, तो ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग एम बीम जो है ये बेंट हो गया जस्ट लाइक ए आर्क ऑफ ए सर्किल. तो यहाँ से अब एक कंप्लीट, यहाँ से इमेजिन कर रहे हैं कि एक कंप्लीट सर्किल बनाया. तो इस सर्किल का कहीं होगा सेंटर ओ, सेंटर ओ से न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस दैट इज आर. ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है से दिस एंगल इज डी थीटा. तो एंगल ऑफ दिस आर्क विल बी से डी एस. तो यहाँ से नाउ वही यहाँ लिखे, कंसीडर ए बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग. व्हेन बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग बीम बेंड्स एज एन आर्क ऑफ ए सर्किल. से ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल.
Consider two point B and C separated by a distance dx. यहाँ से लेफ्ट सपोर्ट से x डिस्टेंस पर हम BC सेक्शन कंसीडर किए जिसके बीच का डिस्टेंस है dx. Now say d theta is the angular displacement between B and C. This d theta is the angular displacement between B and C. Now then ds is equal to क्या हो जाएगा r d theta. ds is equal to r d theta. Since ds is a small, then ds is equal to क्या हो जाएगा dx. So now we can write r d theta is equal to ds, or ds is equal to dx, then we can write r d theta is equal to dx since theta is small. Now हम यहाँ से dx को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो लिख सकते हैं कि d theta by dx is equal to, r को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो is equal to 1 by r. Now d theta by dx is equal to 1 by r. From bending stress equation से हम जानते हैं कि m by i is equal to e by r is equal to sigma by y, और m by e i is equal to 1 by r. m by e i is equal to 1 by r से equation number 2. From equation 1 and equation 2, we can write d theta by dx is equal to m by ei. Now, यहाँ से slope, say this is the slope, ये slope, this angle is theta, this angle is theta, this is dy, this is dy, and this is dx. Then tan theta is equal to क्या हो जाएगा dy by dx. Now tan theta is equal to dy by dx. Since theta is small, then tan theta is equal to theta, or theta is equal to dy by dx. Now इसको differentiate कर देते हैं with respect to x. तो हम लिख सकते हैं कि d theta by dx is equal to d2y by dx square. Now, from equation 3 and 4, हम लिख सकते हैं कि d2y by dx square is equal to m by ei. This equation is called differential equation of elastic curve, or it is also called elastic curve equation or curvature equation. अब हम यहाँ numerical कैसे solve करेंगे? तो स्टेप टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जो भी बीम दिया रहेगा उसमें हम लेफ्ट सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन लेंगे, जैसे यहाँ एक्स डिस्टेंस पर बी सी डिस्टेंस लेकर के डी एक्स डिस्टेंस सेपरेट किए थे. उसके बाद उस सेक्शन पर हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे. मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद उस मोमेंट के वैल्यू को कर्वेचर इक्वेशन में, जो कर्वेचर इक्वेशन जो हम यहाँ डिराइव किए हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे. दैट इक्वेशन इज कॉल्ड स्लोप इक्वेशन. अगेन एक बार फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन. C1 C2 अननोन है, तो C1 C2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाई द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, जो पहले हम देख चुके हैं. बाउंड्री कंडीशन क्या होता है कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो फिक्स सपोर्ट के पास स्लोप जीरो होगा, डिफ्लेक्शन जीरो होगा. अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन जीरो होगा. तो ये बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू ऑफ C1 एंड C2. वो C1 एंड C2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप इक्वेशन में, C1 C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में. इसको बोलते हैं स्लोप इक्वेशन, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन. ये बाउंड्री कंडीशन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बाउंड्री कंडीशन कि कैंटिलीवर बीम के केस में फिक्स सपोर्ट के पास एट फिक्स सपोर्ट बोथ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर जीरो. स्लोप के लिए सिंबल यूज करते हैं थीटा, डिफ्लेक्शन के लिए वाई. तो अगर फिक्स सपोर्ट है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो. सिंपली सपोर्ट बीम के केस में सपोर्ट के पास एट सिंपल सपोर्ट
डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि स्लोप के पास वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चलेंगे कि क्लॉकवाइज स्लोप को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज स्लोप को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। इसके बाद डिफ्लेक्शन के लिए डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, अपवर्ड डिफ्लेक्शन को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। द डिस्टेंस ऑफ सेक्शन एक्स, जो एक्स सेक्शन कंसिडर करें, डिस्टेंस कंसिडर करेंगे सेक्शन के लिए, मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से अगर हम एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, राइट एंड से अगर कंसिडर कर रहे हैं तो उसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव। अब ये जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन जो हम लेकर चल रहे हैं, इस साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो इलास्टिक कर्व इक्वेशन होगा, तो इलास्टिक कर्व इक्वेशन ये हम यूज करेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बाई ई आई। हम अभी डेरिवेशन डिराइव किए थे तो क्या आया था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई ई आई, लेकिन हम यहाँ माइनस साइन यूज कर रहे हैं। माइनस साइन इसलिए यूज करें, ये जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं, अगर ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो हम यहाँ यूज करेंगे माइनस साइन, अगर इसका अपोजिट साइन कन्वेंशन अगर लेंगे तो यहाँ आप यूज करेंगे प्लस साइन। तो हम यहाँ यूज करेंगे ये साइन कन्वेंशन और इलास्टिक कर्व इक्वेशन हम यूज करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बाई ई आई। नाउ तो ये था बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ अगर समरी के तौर पर बोले तो क्या देखे, डिफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। फिर देखें हम स्लोप, तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड स्लोप। कैंटिलीवर बीम के केस में स्लोप का वैल्यू, कैंटिलीवर बीम है तो फिक्स सपोर्ट के पास स्लोप जीरो होगा, डिफ्लेक्शन जीरो होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन जीरो होगा। और सॉल्व करने के लिए हम इलास्टिक कर्व इक्वेशन का यूज करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बाई ई आई। इस इलास्टिक कर्व इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा स्लोप इक्वेशन, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ से मिलेगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। C1 C2 का वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से निकाल कर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये दीज आर द प्रोसीजर टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन और एनी पॉइंट ऑफ द बीम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।